हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ माय न्यू व्लॉग। और टुडे सैटरडे का ही ये सेकंड व्लॉग है, ठीक है। मैं दोपहर छत पे आई थी क्योंकि आज जल्दी छुट्टी होगी, जैसे कि मैंने बताया था हमारे स्कूल की। और ये देखो, यहाँ मैं आ रही हूँ तो पैर में मांजा फंस रहा है। हाँ, तो सैटरडे का ही सेकंड डे है। मैं व्लॉग इसलिए बना रही हूँ क्योंकि इसमें मुझे कुछ नई अपडेट देनी है। देखो, इतना मांजा ये वहाँ टेबल तक फंस रहा है, ठीक है। तो मुझे कुछ नई अपडेट देनी थी। तो नई अपडेट ये है कि मैं अभी ट्यूशन से आई थी। ट्यूशन से आते ही मैं जा रही थी समीक्षा को बुलाने, ठीक है। थोड़ी क्रम्पलिंग कर दूँ। ट्यूशन से आते ही मैं जा रही थी समीक्षा को बुलाने कि भाई एक दो और ये तीन चार टेक्सचर की सेप बन जाएगी, क्योंकि अभी देख लो कितना, अभी जस्ट सनसेट हुआ है प्यारा सा, ठीक है। तो तभी मेरी मम्मी ने कहा कि अभी मत जाओ उसको बुलाने, क्योंकि दो दिन की बहुत ज़बरदस्त बारिश बताई हुई है तो शेप बनाएगी। फिर तो मैंने कहा, फिर मैं उसको बुलाने चली गई क्योंकि मुझे झाड़ू लगवानी छत पे, क्योंकि अभी छत सूखी हुई है। मतलब कैमरे में थोड़ी ब्लैक दिखती है, नॉर्मल है वैसे जैसे होती है, ठीक है। तो मैं अभी उससे झाड़ू लगवा लूँगी, साफ़ सफाई करा लूँगी, जैसे टेक्सचर जो बिखरे हुए हैं, चिपके हुए हैं, है ना। और मैं वीडियो बना लूँगी तो वो मेरी हेल्प भी कर देगी, है ना। तो इसीलिए मैं उसको बुला लाई हूँ, कहती आधे घंटे में आ रही हूँ। अब देखते हैं आती है कि नहीं। आज मेरी जल्दी छुट्टी होने के कारण मैं ट्यूशन से चाय पी के ही गई थी। तो अभी मुझे चाय कितनी तलब तो होनी चाहिए, वरना ट्यूशन से आते तो ऐसे लगता है चाय मिल जाए बस। चाय की तलब पता नहीं किसी को होती है इतनी जितनी नहीं। मैंने तो बहुत लोगों को देखा है जिसको चाय की तलब बहुत ज़्यादा होती है। इन थोड़े बहुत चंक्स भी छोड़ देती हूँ वीडियो के लिए। जो मैं पहले दोपहर में व्लॉग बना के गई थी वो भी बहुत अच्छा था। उसमें मैंने सारी शेप्स पलटाई थी और वो कुछ 15 मिनट का व्लॉग बना था, ठीक है। ये देखो, इतने बड़े बड़े चंक ऐसे बिखर जाते हैं। सबसे ज़्यादा दुख मुझे इन टेक्सचर्स का हो रहा है। और इसका तो ट्यूटोरियल भी आपने देखा था ना, मैंने कितना अच्छे से डेकोरेट करके बनाई हुई थी, सारी तहस नहस होगी। और कब की बनी हुई थी ये शेप, मुझे लगता है 2 हफ्ते से ऊपर हो गया था इनको बने हुए को। मिनी देवी को पता नहीं क्या हो गया, वो ब्लॉग नहीं बना रही है। अच्छा, कोई ऐसे लोग भी हैं, मिनी लिबी मेरी जैसी वीडियो को करती रहती है, भाई पता नहीं क्या है ये टेप, ठीक है। जैसे तुम मिनी लिबी के थ्रू मेरे को बहुत लोग जानने होंगे हैं, और मेरे थ्रू भी कोई मिनी लिबी को जानना है क्या, मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, प्लीज़, ठीक है। वैसे बहुत कम होंगे वो लोग, या होंगे भी नहीं पता नहीं, क्योंकि उनको तो सब जानते ही, क्योंकि मेरे जो मोस्टली सब्सक्राइबर मैं देखती हूँ वो कमेंट करते हैं, उनके पास जाके भी अच्छी बात है, जो कि बुरी बात नहीं है। तो अब मैं सोच रही हूँ, क्योंकि जैसे ही फैला हुआ है वैसे मैं अकेले भी कर सकती थी, पर मैंने सोचा कि वो भी आ जाए ना, उसके साथ भी अपना दुख दर्द शेयर करूँ तो क्या पता ज़्यादा ना फील हो। देखना पूरा एक ऐसी शेप, मैं चाहूँ तो वीडियोस की भी बना सकती हूँ। बताओ, कल की भी बारिश है, बहुत बढ़िया टेक्सचर है भाई, इतनी अच्छी इसकी बनी थी ना, मैं क्या बताऊँ गाइस। इसका मुझे दुख आ रहा है क्योंकि एकदम डस्टी हो रखी थी है, और मतलब हर बार ना, मतलब ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बन जाता है या बहुत ज़्यादा हार्ड बन जाता है, पर इस बार ना एकदम परफेक्ट बना था ये, देख लो। वेट है अभी तो, पता है क्या, हमें इस मार्च को हर चीज़ में प्रॉब्लम है, मतलब कि दुख होता है। चाहे हमारी शेप, अगर जो मान लो हमारी शेप बहुत ज़्यादा सूखी हो, बिल्कुल ड्राई हो, वीडियो के लिए तैयार हो, तो भी हमें दुख होता है कि भाई हमने क्यों नहीं उसकी बनाई वीडियो, मतलब क्यों नहीं बनाई, ड्राई था एकदम प्रॉपर है। और जो गिल्ला होता है, मान लो जैसे मैंने कल ही शेप बनाई और आज बारिश आ गई, ये सारी ख़राब हो गई, तो हमें फिर दुख ये होता है कि इससे अच्छा तो हम बनाते ही ना, मैंने जाती ना, है ना। तो ये बात है, तो चाहे टेक्सचर ड्राई हो या वेट हो, हर चीज़ में दुख है हमें। इसे सही तो नीचे वाली रखी हुई शेप सही थी,
सोचा इनको अभी टाइम देती हूँ, अभी इनको खिला लेती हूँ, ठीक है। मुझे बस ये हो रहा है कहीं मैं आधे घंटे तक छत पे ऐसी इंतज़ार करती रह जाऊँ और वो आए ना, फिर मुझे और गुस्सा चढ़ना है। पत्ते भी पता नहीं ये गत्ता आया कहाँ से है छत पे, एक मुझे बाउल रखना ही पड़ेगा अब। बीच बीच में क्रम्बलिंग भी ज़रूरी है भाई। पूरा टेक्सचर ठीक है, तो मोस्टली टेक्सचर हो चुका है, पलट पलट चुका है ये देख लो, अब ऐसे लग रहा है पलटने के बाद। ये पता नहीं क्या होए होए हैंकी कितना गंदा हो गया, और वाइट हैंकी इसको भी देखें, होए होए ये पूरा पत्थर होया पड़ा है, इसको देखते हैं। चलो कितना कैसे हार्ड हो गया, अच्छा गिल्ला है ना तो सूख गया है। चलो क्रम्बलिंग कर लेते हैं इसकी, हमें तो स्टफ मिल गया क्रम्बलिंग के लिए। इस टेक्सचर की जो खुशबू है ना वो किसी टेक्सचर में नहीं है, क्योंकि ये मैंने अपनी जो मिट्टी की गुल्लक होती है ना पिग्गी बैंक उसको फोड़ के बनाई हुई है, और जिसका ट्यूटोरियल भी है मेरे चैनल पे, सर्च मार लेना किसी को देखना हो जो, रेड डॉट करके, रेड मेकिंग रेड डॉट विद माय मटका गुल्लक, हाँ ऐसा ऐसा कुछ टाइटल है उसका। और इसकी खुशबू इतनी लाजवाब है, और जब हम बना रहे थे ना तब भी हमने इतने मज़े किए, समीक्षा थी और हम खुशबू सूंघ रहे थे। ऐसा मन कर रहा था मैं इसको पीस रही थी मैं खा लूँ इसको, इसमें से तो बिल्कुल मतलब मिट्टी की खुशबू होती है, जैसे हम वेट बहुत ड्राई टेक्सचर है बहुत दिनों से ड्राई पड़ा है उसकी हम वाटर मिक्सिंग करी ना तो उसमें से बहुत अच्छी खुशबू आती है, पर इस टेक्सचर में से ऐसी खुशबू आती है ना कि बस इसको खा लो ऐसी। ये समीक्षा को बताई थी शेप रखी हुई थी भाई, ये बना लियो माइंड ब्लोइंग टेक्सचर, ऐसे तो वेस्ट ही हो रहा है यहाँ पे, इसका कुछ मैं जल्दी से सोल्यूशन निकाल लूँगी। मर्ड वाला भी देखते हैं इसके साथ कुछ हुआ कि नहीं, ये तो ऐसा का ऐसा ही है। इसको बताना मैं किस टेक्सचर में ऐड कर सकती हूँ,
पूरे मेरे इतना रिता आ गया इसमें। चलो इसको ढक ही देते हैं, वापस यहाँ पे आ जाते हैं। प्योर सैंड की तो मेरे साथ अजीब ही केस हुआ था, जो आपने पुराना ब्लॉग देखा होगा उसमें इतनी अच्छी शेप्स स्लैब्स बनी हुई और वो टूटते ही जा रही, मुझसे टूटते ही जा रही, लिटरली टूटते ही जा रही। अब मैं वीडियो बना लेती क्योंकि कल की बताई हुई है बारिश, सुबह सुबह ना शुरू हो जाए बस बारिश। मैं तो कहूँ हवा से ही सूख जाए टेक्सचर, ऐसी कोई कृपा कर दे भगवान मुझ पे। चलो इसके भी एक आधे जो इतने सारे चिप्स पड़े हैं क्रम्बल कर लेते हैं। अब मैं सोचूँ इनके भी या तो फुल ड्राई क्रम्बलिंग करूँगी या फुल वाटर क्रम्बलिंग। कहाँ कहाँ तक गए हैं इसके टुकड़े। बच्चे बुझे टेक्सचर का भी हाल ना हो जाए। इसकी तो क्रम्बलिंग करी नहीं हमने। इसकी व्लॉग में कर देते हैं। चलो जी आज के लिए इतना ही। मैं आपको टोटल टेक्सचर बता देती हूँ कि किन किन की मैं वीडियो बनाऊँगी। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, इनकी तो वीडियो बनेगी। और जो इनकी है वो थोड़ी प्रॉपर नहीं बन पाएगी। और हाँ ये भी है। और बाकी टेक्सचर जो शेप बनाने के नहीं हैं उनको, जो जिनकी शेप नहीं बनी हुई है उनको मैं ऐसे ही रख दूँगी क्योंकि बारिश आने वाली है ना। कितनी बार बोल चुकी हूँ मैं बारिश आने वाली है। जो नहीं भी आनी होगी मेरे कहने से आ जाएगी। ठीक है, बहुत मज़े का टेक्सचर है। ओके बाय बाय।